गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, तो एंड आई एम फाइनली बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आफ्टर 10 डेज एंड आई एम सो हैप्पी। मतलब 10 दिनों की मैंने छुट्टी ले ली थी यूट्यूब से, क्योंकि शादी थी हमारे घर पे इसलिए, बट मैं वापस आ गई यूट्यूब पे और अभी आप लोग को बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ माई मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप लोग बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे बट मैं शेयर नहीं कर पा रही थी, बट आज फाइनली मैं वीडियो आप लोग से शेयर कर रही हूँ। और उसके साथ साथ मैं बहुत ही सिंपल सा मतलब एवरीडे मेकअप लुक आप बोल सकते हो मैं शेयर करने वाली हूँ, जो कि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, जो मेरा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन होता है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है और इफेक्टिव रहता है। मैं बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करना पसंद नहीं करती, बहुत ही कम यूज़ करो पर उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। मैं यहाँ पे क्या यूज़ करती हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे लेती हूँ रॉ मिल्क और उसमें आपको कॉटन पैड डिप कर लेना है और उसको अपने पूरे फेस के ऊपर अप्लाई करना है आपको। तो ये हमारा मिल्क क्लिनजर रेडी है और इसको अपने पूरे फेस के ऊपर अप्लाई करो। ये आपकी स्किन को हेल्दी बनाएगा, ग्लोई बनाएगा और आपकी मतलब स्किन पे इंस्टेंट ग्लो प्रोवाइड करता है। अगर आपको कहीं भी जाना है तो आप इसे अप्लाई कर लो, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी दिखेगी, ग्लोई दिखती है और आपकी स्किन पे जो भी डर्ट पोल्यूशन होगा सब कुछ ही अच्छे से रिमूव कर देगा। तो ये इस तरह से आपको अपने पूरे फेस के ऊपर अप्लाई करना है और उसको कुछ देर के छोड़ दो ताकि आपके फेस में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। आपको अपने फेस को वॉश नहीं करना है। तो जो नेक्स्ट है वो है ये मैजिकल फेस वॉश। ये 3-in-1 फेस वॉश है, आप इसको फेस पैक की तरह अप्लाई कर सकते हो, स्क्रब कर सकते हो या फिर फेस वॉश की तरह भी यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसमें मैंने ऐड किया हुआ है 1/2 टेबल स्पून ग्राम फ्लोर, 1/2 टेबल स्पून कॉफ़ी एंड पिंच ऑफ टर्मरिक और इसमें आपको चाहिए थोड़ा सा पानी। तीनों को अच्छे से मिक्स कर लो और इसका एक पेस्ट बना लो। एंड मॉर्निंग के टाइम पे मैं इसी फेस वॉश को यूज़ करती हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ये। अगर आप टीनेजर हो तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो एंड आप इसको स्टोर भी करके रख सकते हो। तो इसे आपको अपने पूरे फेस के ऊपर अप्लाई करना है और 1 मिनट तक अच्छे से मसाज करना है अपने पूरे फेस के ऊपर। और ये अगर आपको पिंपल्स की जो निशान पड़ जाते हैं, डार्क स्पॉट्स हो जाते थे, उसे फेड आउट करेगा और आपकी स्किन को ही हेल्दी और ग्लोई बनाता है और आपकी स्किन पर जो भी डेड स्किन सेल्स होंगे, ब्लैक हेड्स होंगे, वाइट हेड्स होंगे, वो अच्छे से ये भी रिमूव कर देगा और आपकी स्किन को हेल्दी एंड ग्लोई बनाएगा। आप इसे डे एंड नाइट दोनों टाइम पे यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव फेस वॉश है। उसके बाद से मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ टोनर। टोनर के लिए मैंने यूज़ किया है ग्रीन टी टोनर। आप टोनर कोई सा भी यूज़ कर लेना, आप चाहो तो इसके जगह पे रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हो, पर टोनर यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके पीएच बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, इसलिए आप टोनर बिल्कुल भी स्किप मत करना और आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है। नेक्स्ट हमें अप्लाई कर लेना मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र बिल्कुल भी स्किप मत करना, विंटर हो या फिर समर आपको मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना ही करना है। तो उसके लिए मैं आप यूज़ कर रही हूँ जॉय का मॉइस्चराइज़र और ये वाला मॉइस्चराइज़र थोड़ा सा थिक है पर अच्छे से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ कर देता है और इसकी फ्रेग्रेंस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इसके लिए मैं इसको स्पेशली यूज़ करती हूँ। सो गाइज, जो नेक्स्ट मैं आप यूज़ कर रही हूँ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव प्रोडक्ट है। मैं इसको यूज़ किया, मैंने इसको और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट इसका लगा। ये है मामाअर्थ का बाय बाय ब्लेमिशेस फेस क्रीम विथ मलबरी एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन सी फॉर अनइवन स्किन टोन। मिनरल ऑयल एंड पैराबिन फ्री है विथ बायो एक्टिव एंड सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स है। एंड इसकी प्राइस है 449 एंड इसमें आपको मिल जाता है 30 ग्राम। एंड ये नॉन ग्रीसी फार्मूला है मेड विथ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड इसके की इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। इसमें मलबरी एक्सट्रैक्ट यूज़ किया गया है, देसी फ्लावर एंड लिकोराइस एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन सी एंड ये सारे इंग्रेडिएंट्स मतलब हमारे स्किन के लिए इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं। एंड ये स्पेशली आपके अनइवन स्किन टोन के लिए, अगर आपको ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम है, आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हो गए हैं, ये आपके स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करेगा, डार्क स्पॉट्स को ये सही करेगा आपके स्किन पे, ब्लेमिशेस को कम करेगा और आपकी स्किन को ये सॉफ्ट एंड सपल बनाता है। तो आपको इस तरह से अपने पूरे फेस के ऊपर डॉट डॉट करके अप्लाई करना। ये क्रीमी फॉर्म में आता है और बहुत ही जल्दी आपके स्किन में ये एब्जॉर्ब हो जाता है, बिल्कुल भी आपके स्किन पर ये ग्रीसी नहीं लगता है, स्टिकी नहीं लगता ये आपके स्किन पर। एंड आप इसे डे एंड नाइट दोनों टाइम पे यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि मैंने इसको खुद यूज़ किया और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये वाला। एंड ये आपके हाइपर पिगमेंटेशन एंड डार्क स्पॉट्स को ये फेड आउट करेगा और आपकी स्किन को हेल्दी एंड ग्लोई बनाता है। सो जो नेक्स्ट मैं आप यूज़ कर रही हूँ ये है मामाअर्थ का बाय बाय रिंकल्स फेस क्रीम विथ ग्रीन टी एंड कोलेजन फॉर रिंकल्स एंड फाइन लाइन्स। ये स्पेशली रिंकल्स एंड फाइन लाइन्स के लिए है, पैराबिन एंड सिलिकॉन फ्री है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स है। एंड मामाअर्थ के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्रुएल्टी फ्री होते हैं एंड वेगन होते हैं। एंड गाइज, ये
ज़रूरी नहीं कि फाइन लाइन्स जिनकी एज ज़्यादा हो उन्हीं को हो, कभी कभी जिनकी एज कम होती है फाइन लाइन्स उनको भी हो जाते हैं, और ये आपको कुछ इस तरह से पम्प फॉर्म में रिसीव होता है। एंड इसे की इंग्रेडिएंट्स है कोलेजन पेप्टाइड एंड ग्रीन टी, ग्लिसरीन एंड हाइलोरोनिक एसिड, बहुत ही अच्छे अच्छे इसमें की इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं, और ये आपको क्रीमी फॉर्म में आता है। तो आप इसको अपने पूरे फेस के ऊपर, अपने अंडर आई एरिया पे एंड माउथ एरिया के आसपास आप इसको डॉट डॉट करके अच्छे से अप्लाई कर लो एंड अच्छे से मसाज कर लो, ताकि आपकी स्किन में ईजिली ये एब्जॉर्ब हो जाए। बहुत जल्दी आपकी स्किन में ये एब्जॉर्ब हो जाता है। नॉन ग्रीसी फार्मूला है एंड इसमें ग्रीन टी यूज़ किया गया। अगर आपको प्री मैच्योर एजिंग हो रही है, मतलब अगर आपको एज से पहले फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स हो रही है, तो इस टाइम पे बहुत ही नॉर्मल सी बात है, आप इसे यूज़ करो, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। एंड इसमें कोलेजन पेप्टाइड यूज़ किया गया है, जो कि आपके फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स पे बहुत ही अच्छा काम करता है एंड आपको एक यूथफुल एंड ग्लोइंग स्किन प्रोवाइड करता है। एंड इसमें ग्लिसरीन एंड हाइलोरोनिक एसिड है, जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज रखेगा। सो नेक्स्ट आपको अप्लाई करना है सनस्क्रीन। आप सनस्क्रीन कोई सा भी अप्लाई करना है अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। तो मैं आप यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का सन एक्सपर्ट SPF 50, और ये थोड़ा सा थिक फॉर्म में आता है, वाइट कास्ट छोड़ता है, पर आपके स्किन में ये थोड़ी देर के बाद से ये नॉर्मल हो जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है आपके स्किन में। उसके बाद से मैं आप यूज़ कर रही हूँ कंसीलर। स्विस ब्यूटी का कंसीलर मैं आप यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट मेकअप करने के लिए आप कंसीलर यूज़ करना, फाउंडेशन का यूज़ मत करना। कंसीलर से आपको अच्छी सी कवरेज भी मिल जाती है, ये आपके डार्क स्पॉट्स को भी हाइड कर देगा और आपकी बेस को ये काफ़ी स्मूथ और मतलब बहुत ज़्यादा लाइट वेट रखता है आपकी स्किन पे। तो मैंने इसको फिंगर्स की हेल्प से ब्लेंड कर लिया, क्योंकि फिंगर्स की हेल्प से ब्लेंड करने में वो काफ़ी नेचुरल लगता है। और उसके बाद से मैंने यहाँ पे ब्यूटी पफ लिया हुआ है, उससे मैंने अच्छे से एक बार ब्लेंड कर दिया, ताकि जो भी इधर उधर प्रोडक्ट्स होंगे वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे। नेक्स्ट मैं आप यूज़ कर रही हूँ ये है मेबलिन फिट मी का कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट से आप अपने बेस को सेट कर लो, क्योंकि वैसे भी समर्स का टाइम आ रहा है, इस टाइम पे हमारे फेस अब थोड़ी थोड़ी ऑयली होना स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए आप अपने फेस को इस तरह से सेट कर लो ताकि वो अच्छे से ड्राई आउट हो जाए। एंड उसके बाद से हम कर लेंगे अपने आईब्रोज को फिल, और उसके लिए मैं आप यूज़ कर रही हूँ बेट एंड वाइल्ड का आईब्रो किट एंड स्विस ब्यूटी का मैंने आईब्रो ब्रश लिया हुआ, जिसमें आपको आईब्रोज फिल करने के लिए ब्रश एंड स्पूली दोनों ही मिलते हैं। इससे हम अपने आईब्रोज को फिल कर लेंगे। आईब्रो फिल करने से आपका फेस पूरा डिफाइन लगता है और बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब अच्छा दिखता है आपका फेस, इसलिए आप अपने आईब्रोज को ज़रूर फिल किया करो। उसके बाद से मैं आप यूज़ कर रही हूँ मस्करा, और उसके लिए मैंने यूज़ किया है मेबलिन का कोलोसल वॉल्यूमिनस मस्करा। मस्करा यूज़ करने से आपकी जो आईज होती हैं वो इन्हेंस लगती हैं और काफ़ी अच्छी लगती है, देखने में अट्रैक्टिव दिखती हैं। अगर आप काजल अप्लाई करना पसंद करते हो तो आप इसको डेफिनेटली अप्लाई करना। काजल मुझे काजल पसंद नहीं है उतना, क्योंकि मेरी आईज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा छोटी हैं, इसलिए मैं काजल अप्लाई नहीं करती हूँ। पर मस्करा अप्लाई करने से आपकी आईज पूरी मतलब खुली खुली सी दिखती हैं और अच्छी लगती हैं, स्लीपी स्लीपी सी नहीं लगती हैं। एंड मस्करा का 2-3 कोट अप्लाई कर लेना, इससे आपकी आईज़ में बहुत ही अच्छी वॉल्यूम आ जाती है और आपकी लैसेस और भी बड़ी लगने लगती हैं। उसके बाद से हम बनाएंगे अपना नेचुरल टिंट। उसके लिए आपको लेना है कोई भी लिक्विड लिपस्टिक या फिर आप बुलेट लिपस्टिक भी ले लेना। आपको अपने चीक बोन्स के ऊपर अप्लाई करना है एंड उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना। लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद से आप उसको छोड़ना मत, तुरंत आप उसको ब्लेंड करना, क्योंकि फिर वो ड्राई आउट हो जाता है और वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होता, पैची पैची सा फिर हो जाएगा। और अगर आप ऐसे ब्लश अप्लाई करते हो ना, तो फिर वो आपके मतलब फेस के ऊपर काफ़ी टाइम तक रहता है। अगर हम पाउडर ब्लश अप्लाई करते हैं तो वो थोड़ी देर के बाद से वो चला जाता है। एंड सेम लिपस्टिक को हम अप्लाई कर लेंगे अपने लिप्स के ऊपर। आपको पूरा लिपस्टिक नहीं अप्लाई करना है, आपको सिर्फ थोड़ा सा लिपस्टिक लेके अप्लाई करना है एंड उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, जिससे कि आपको एक कोरियन इफेक्ट आएगा। और उसमें आपको अप्लाई करना लिप ग्लॉस। तो मैंने इनसाइड वाला लिपस्टिक यूज़ किया, जिसमें आपको लिप ग्लॉस भी मिल जाता है। ये आपके लिप्स को फुलर एंड प्लम्प दिखाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसको अप्लाई करने के बाद से। सो गाइस, ये था मेरा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन एंड बहुत ज़्यादा सिंपल एवरीडे मेकअप लुक आप बोल सकते हो, जो कि कॉलेज गोइंग कर लो या फिर स्कूल गोइंग कर लो तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। एंड जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं, सारे प्रोडक्ट्स का बाय लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाय बाय, टेक केयर।